मेरा मोबाइल चलो मुझे। ओके नमस्कार जीत पर मोबाइल सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और आज सेकंड पेपर का सोल्यूशन करने जा रहे हैं सेकंड डे का फर्स्ट पेपर आज का फर्स्ट पेपर जो सुबह की पारी में हुआ था उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर एक आपके सामने क्वेश्चन नंबर एक शायद थोड़े कम साफ साफ कम दिखाई दे रहे हैं हुँ? ठीक है चलो बोल ही देता हूं मैं वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2022 में राजस्थान ललित कला अकादमी कॉम्प्लेक्स जालाना जयपुर में आयोजित किया गया ये कौन सा था तो यह राजस्थान ललित कला अकादमी कॉम्प्लेक्स जालना जयपुर में यह वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया तो यह कौन सा था तो इसमें यह पूछा गया तो यह कौन सा था तो ये था बासठवा बासठवा था ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा थोड़ा सा इसको छोटा कर दें ओके ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन एक मोबाइल में देखना क्वेश्चन साफ़ दिख रहे हैं लाइव like में देखना चलो दो हजार इक्कीस के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण है सर्वाधिक वन आवरण नई वन रिपोर्ट के अनुसार आगामी जैसे वीडियो एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बनने जा रहा है राजस्थान में वन चार चार जिले याद करने प्रतिशत में ज्यादा और संख्या में ज्यादा वन कहा तो ध्यान देना सर्वाधिक कहा है तो उदयपुर में प्रतिशत और संख्या दोनों में अगर पूछे तो उदयपुर में है चलो आज नेट बंद है तो बाद में देख लेना आप एक बार मैं सोल्यूशन इसका करवा देता हूं ठीक है ना तो सर्वाधिक वन कहा है तो यह है उदयपुर में सर्वाधिक वन कहां है राजस्थान में उदयपुर में Next question है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ। गोडवाड पर्यटन सर्किट गोडवाड़ पर्यटन सर्किट में कौन कौन से जिले कवर किए गए तो इसमें कौन कौन से जिले हैं गोडवाड़ पर्यटन सर्किट में तो जालोर पाली शिरोई, बाड़मेर तो इसमें कौन सा कौन कौन से जिले शामिल है तो इसमें बाड़मेर नहीं है बाड़मेर नहीं है बाकी तीनों है हाँ, एक मिनट जालोर पाली सिरे और बाड़मेर चारों हैं ऑप्शन नंबर चार चारों हैं जालोर, पाली बाड़मेर सिरोई तो चारों जिले इसमें शामिल है किसमें गोडवाड पर्यटन सर्किट में गोडवाड गोडवाड़ पर्यटन सर्किट जालोर पाली बाड़मेर और सिरोई ये चारों जिले इसमें शामिल है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार, चार नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्काउट गाइड की जमुरी का आयोजन होने जा रहा है वो राजस्थान के पाली जिले में अठारहवीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड की जमुरी यानी इसका सम्मेलन जमहूरी बोलते हैं इसको तो ये राजस्थान के पाली जिले में आयोजित होगा होना है अभी जनवरी 2022 में त्री दिवसीय योग महोत्सव जनवरी 2022 में तीन दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया कि राजस्थान के किस जिले में तो इसमें ध्यान देना वो जैसे योग दिवसीय इक्कीस जून को मनाता है ना वो नहीं है ये जनवरी में तो जनवरी में योग महोत्सव मनाया गया तीन दिवसीय यह कार्यक्रम था तो यह है राजसमंद जिले में राजस्थान के राजसमंद जिले में यह आयोजन हुआ था तीन दिवसीय आयोजन ठीक है करेक्ट आंसर है ये इसका फरवरी 2022 में आरपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं नए आरपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं तो संजय कुमार श्रोत्रीय संजय कुमार आरपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सात तो केंद्रीय नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य दस गीगावाट अगर पूछे ना राजस्थान में तो सौर ऊर्जा ये सौर ऊर्जा का पूछा गया राजस्थान में सौर ऊर्जा की क्षमता कितनी है तो एक गीगावाट की क्षमता है और अब तक कितना स्थापित हो गया तो ठीक है अब तक स्थापित कितना सोलर हब सोलर हब के रूप में अब तक स्थापित हो गया मतलब 9000 समथिंग था और अब बढ़ गया तो 10000 से ज्यादा हो गया मेगावाट में 10000 से ज्यादा हो गया इसका मतलब कितना 10 गीगावाट 10000 मेगावाट से एक होता है गीगावाट ठीक है तो 10 गीगावाट से क्रॉस कर गया ऐसा भारत का एकमात्र राज्य राजस्थान है जिसने 10 गीगावाट से ज्यादा सौर ऊर्जा विद्युत क्षमता मतलब स्थापित कर चुका है तो यह है राजस्थान हां मतलब कर्नाटक को पीछे छोड़कर यह राजस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है सौर ऊर्जा में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आठवा राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 ये यह कहां पर आयोजित किया गया राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन जयपुर जोधपुर अजमेर कोटा तो यह आयोजित किया गया जयपुर में कहां पर आयोजित किया गया तो यह जयपुर में आयोजित किया गया राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 जयपुर में आयोजित किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नंबर आज ठीक था पेपर राजस्थान जीके में विशेष ज्यादा डिप्लिक्वेशन है कुछ क्वेश्चन ठीक थे और वो करंट जीके में अच्छे क्वेश्चन आए आज ठीक है ना इन कल आया था पेपर कल की बजाय आज पेपर लेवल का ठीक था कल तो कुछ नहीं था उसमें राजस्थान सरकार ने काले जगह में वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है और कई जिलों में घोषणा की है एक जगह पहले से स्थापित है वो है जालाना जयपुर में ठीक है जालाना जयपुर की तर्ज पर पांच सात जिलों में और घोषणा की है उनमें और कौन से हैं तो जयपुर में तो पहले से है अब इसमें पूछा घोषणा कहाँ की सभी कर रहे हैं कि जयपुर जोधपुर और कोटा तीनों जगह भाई जयपुर में तो पहले से है नई घोषणा हुई है कहाँ तो ये तो पहले से था तो जोधपुर और कोटा में नई घोषणा में ये शामिल है ठीक है हाँ और अब ध्यान देना जयपुर में पहले था बाकी संभाग मुख्यालय पर सभी जगह शुरू किया शुरू करने की घोषणा की गई तो वानस्पतिक वानस्पतिकल गार्डन बोटेनिकल गार्डन है यह राजस्थान में सभी संभाग मुख्यालयों पर अब हो गए मतलब घोषणा हो गई है जयपुर में पहले से था तो नई घोषणा में कोटा और जोधपुर होगा तो दो और तीन दो और तीन ऑप्शन नंबर होगा इसमें तो कुछ लोग अधिकतर बता रहे हैं कि ये ये होगा ऐसा नहीं है जयपुर में पहले से ठीक है ना तो इसमें राइट ऑप्शन आपके सामने है इंडियाज बेस्ट इंडियाज बेस्ट अवार्ड तहत निम्न में से किस राजस्थान बेस्ट हां ये पर्यटन में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन आर्थिक समीक्षा में पर्यटन वाले टॉपिक में स्पष्ट दे रखा है कुछ राजस्थान को पर्यटन क्षेत्र में पा, चार पांच पुरस्कार है वो सारे दे रखे हैं उनमें यह है बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन ठीक है अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो या अपने देश में खास खास मेहमान है विशेष यहाँ आकर शादी करने के लिए अगर राजस्थान आना चाहे तो भारत में सबसे बेस्ट राज्य कौन सा है तो राजस्थान है ये पुरस्कार राजस्थान को मिला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं योने की दुल्हन के लिए यहां आएंगे दुल्हन साथ में लानी पड़ेगी ना राजस्थान <laughs> <laughs> में आकर सकते हिमताराम बांबू का संबंध हिमताराम बांबू का संबंध पद्मश्री मिला राजस्थान में पद्मश्री मिला तीन व्यक्तियों को कल भी आया था क्वेश्चन ठीक है तो पद्मश्री ये तो ध्यान देना दो हजार बीस का और इक्कीस के दो मतलब यू साथ में एक ही सारणी करंट में पढ़ते हैं वहां है हिमताराम बाबू है पिछली बार दिया था दो हजार बीस का तो ये पदम श्री पुरस्कार दिया था ये किस से संबंधित है तो ये है पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण से संबंधित है इसमें यह आंसर हो जाएगा राइट किस जिले को एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये कल वाला सेम ई ई गवर्न राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार है ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस वो सिलिकोसिस वाला अभियान चलाया था नागौर जिले में वो सेम है लेकिन ये कल लैंग्वेज नहीं दी थी कल इतना था तो ये है ना नागौर से संबंधित नागौर जिले को यह पुरस्कार मिला है बारह क्वेश्चन हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में शांचु माता।, शांचु माता मंदिर सुर क्यों में रहा यह माता मंदिर है ना जो बॉर्डर से बॉर्डर के बिल्कुल पास है दो किलोमीटर दूर बॉर्डर के अंतरा ये भारत पाकिस्तान सीमा के दो किलोमीटर दूर ये माता जी का मंदिर है तो माता का मंदिर ये सुर्खियों में रहा था ये मंदिर है भी करंट से संबंधित क्वेश्चन था चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पचासवी पचासवीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हेडबॉल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया तो पचासवीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हेडबॉल प्रतियोगिता दो हजार बाईस का आयोजन कहा किया गया तो यह आयोजन किया गया जयपुर में जयपुर में इसका आयोजन किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2022 फरवरी 2022 छात्राओं को पुलिस तंत्र की कार्य प्रणाली से परिचित कराने के लिए यह भी करंट में दे रखा है मेरी पुलिस मेरी पुलिस मेरी दोस्त मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान है ऐसा एक एक अभियान चलाया गया मेरी पुलिस मेरी दोस्त ऐसा छात्राओं ने फरवरी 2022 में एक अभियान चलाया था तो यह अभियान कहा तो ये अभियान चलाया गया डूंगरपुर जिले में डूंगरपुर जिले में यह अभियान चलाया गया नेक्स्ट क्वेश्चन सोलह की ओर बढ़ते हैं फरवरी 2022 में न्यायाधीश मुनीश्वरनाथ भंडारी को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया ये राजस्थान हाई कोर्ट में पहले न्यायाधीश थे राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे तो किस हाई कोर्ट में किस हाई कोर्ट में ट्रांसफर करके इनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया तो इन्हें बनाया गया मद्रास हाई कोर्ट का मद्रास हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया ये राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे वहां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया नाम क्या है मुनीश्वरनाथ भंडारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है तो स्पेनिश पेरा से संबंधित टूर्नामेंट इसने जीता था स्वर्ण पदक स्पेनिश पेरा आगे आपको वर्णा है खाली जगह में टूर्नामेंट 2022 में स्वर्ण पदक जीता है कृष्णा नागर कृष्णा नागर का संबंध किससे है तो यह है बैडमिंटन से संबंधित ऑप्शन नंबर दो इसमें राइट है बैडमिंटन से संबंधित आपका पेपर सीरियल अगर दूसरा है तो उसमें मिलान कर लेना ऑप्शन वो मतलब आगे पीछे कर सकते हैं पेपर सीरियल में तो बैडमिंटन से संबंधित है कृष्ण नागर का संबंध क्वेश्चन नंबर अठारह बजट घोषणा 2022 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में फाइटोसेनेटरी लैब फाइटोसेनेटरी ये भी करंट का क्वेश्चन है बजट बजट में आया बजट में स्पष्ट दे रखा है ये तो फाइटोसेनेटरी लैब कहा स्थापित की जाएगी तो कोटा और जोधपुर में कोटा और जोधपुर में ये लैब स्थापित की जाएगी नेक्स्ट अठारह नंबर क्वेश्चन हो गए उन्नीसवे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में राजस्थान के किस जिले में एमएसएम ई तकनीक पार्क स्थापित किया जाएगा एमएसएमई एमएसएमई पार्क स्थापित किया जाएगा यह राजस्थान के जिले में। राजस्थान का दौसा जिला है यहां पर एमएसएमई पार्क स्थापित किया जाएगा एम कल क्वेश्चन आया था एमएसएमई नीति राजस्थान में कल क्वेश्चन आया था एमएसएमई नीति 2019 के बारे में वो कल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर बीस क्वेश्चन नंबर बीस है हाँ, खाली जगह की गौरी माहेश्वरी गौरी माहेश्वरी 2022 2022 प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और कल एक और पुरस्कार का का पूछा था था वो अतुल बेगम का, नारी शक्ति पुरस्कार कल था नारी शक्ति पुरस्कार अतुल बेगम का आज पूछा गया गौरी माहेश्वरी का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार राष्ट्रीय बाल पुरस्कार तो यह पुरस्कार दिया गया गौरी माहेश्वरी यह कहा की है तो यह गौरी माहेश्वरी है अजमेर की एक नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा अजमेर की है गोरी माहेश्वरी नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट ये उत्तरलाई हवाई अड्डा कहाँ है जैसे नाल बिकानेर वगैरह है तो ये उत्तरलाई कहां है तो उत्तरलाई कहां है ये बाडमेर में है उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ है बाड़मेर में नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान यानी संविधान पार्क सीधी सी बात करें तो संविधान पार्क की बात कर रहे हैं और राज्य राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसका उद्घाटन किया था तो यह संविधान पार्क राजस्थान में कहां पर है तो राजभवन राजभवन कहा जयपुर ठीक है जयपुर में है ये संविधान पार्क कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया लेकिन उद्घाटन किया था इसका किसने राजस्थान के राज्यपाल ने तो ये जयपुर में है क्वेश्चन नंबर बाईस हो गया क्वेश्चन नंबर तेईस तेईस आपके सामने है और इसका आंसर बताइए हाल ही में सोने के भंडारों की संभावना सो, राजस्थान में सोने की खान पहले अपन पढ़ता ना आनंदपुरा बोकिया बांसवाड़ा वगैरह वहां तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में सोने की खान मिली है तो देवतलाई गांव है भिलवाड़ा जिले का सोने के भंडार मिले सोने की खान मिली है देवतलाई गांव ठीक तो है तो यह है भिलवाड़ा जिले का भिलवाड़ा जिला इसका आंसर राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने राज किसान साथी पोर्टल के लिए राज किसान साथी पोर्टल के लिए ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है Beast तो, तो राज किसान साथी पोर्टल है राजस्थान में इसमें ई गवर्नेंस ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार प्राप्त किया है 2022 में बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो यह है डॉक्टर ओम प्रकाश डॉक्टर ओम प्रकाश को मिला है राज किसान साथी पोर्टल पर ई �E गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार दो डॉक्टर ओम प्रकाश को नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम लगातार एग्जाम में ये पूछा जा रहा है कल भी था और उसमें कंप्यूटर वाले उसमें भी था विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है तो यह है जयपुर में चौंप गांव जयपुर जयपुर में कौन सा गांव चौंप गांव जयपुर में है और नेक्स्ट क्वेश्चन ने? है कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है ये बोटेनिकल क्वेश्चन है साइंस का क्वेश्चन है तो इसमें ध्यान देना ब्रोकली वो भी आते है ना सब्जी बनाने वाली उस टाइप की हरी है वो ब्रोकली होती है ठीक तो है कौन सा गुण होता है कपूर में जो उद्र का गुण होता है ना उड़ जाता डायरेक्ट ठोस से गैस में बदलता वो ये भी एक पादप उत्पाद है तो आईजिंगलास स ये है ना ये इसमें राइट आंसर होगा ये एक पादप उत्पाद नहीं है बाकी ये पादप उत्पाद है तो सबी क्वेश्चन हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सत्ताईस और सत्ताईस में मोबाइल फोन की बैटरी है ना ये किस धातु की बनी होती है तो ये ध्यान रखना ये लिथियम की है किसकी बनी होती है ये मोबाइल फोन की बैटरी कभी विस्फोट हो जाता है इसमें तो ये लिथियम है ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन लिथिम हो गया ये औद्योगिक क्रांति विश्व में औद्योगिक क्रांति शुरू से अपन स्कूल स्तर पर पढ़ते आ रहे हैं कि विश्व में औद्योगिक क्रांति कहां हुई तो ये हुई है ब्रिटेन तो ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन तो ये अपन का आंसर राइट हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति कहा हुई तो ग्रेट ब्रिटेन में नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्तीस नंबर और उन्तीस नंबर क्वेश्चन में दे रखा है मिसाइल नोवेटर के एस एक्सो बहत्तर मिसाइल नोवेटर के एस एक्सो बहत्तर एक्सो बहत्तर ये मिसाइल है ये इसकी विशेषता है हवा से हवा या सतह से सतह या सतह से हवा या पानी से सतह इसमें ध्यान रखना ये हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीस पहले मिटा दें इनको चलो अब की बार ऐसा ही करूंगा तीस नंबर उबेर कप उबेर कप है उबेर कप अपन पढ़ते हैं वो है ये उबेर कप का संबंध किस खेल से है उबेर कप का संबंध किस है उबेर कप दिया जाता है बैडमिंटन बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप नेक्स्ट है में मैसे कौन सा पेरिस शांति सम्मेलन दो उन्नीस सौ उन्नीस सौ उन्नीस बीस में हुआ था ये पेरिस शांति सम्मेलन उन्नीस सौ उन्नीस बीस में हुआ था ये इसमें शामिल कौन नहीं थे इसमें कौन शामिल नहीं थे तो इसमें ये क्ली मेन्यू उपस्थित थे सयोन जी उपस्थित थे और क्या लिखा है लॉयर्ड लॉयर्ड जॉर्ज इंग्लैंड के थे ये लॉयर्ड जॉर्ज इंग्लैंड के थे ये भी उपस्थित थे लेकिन ये भाई साहब उपस्थित नहीं थे ऑप्शन नंबर कौन सा चार नंबर इसमें राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसमें चार नंबर होगा 31 में 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए तो कौन से सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए थे तो ध्यान देना इसमें सैन फ्रांसिस्को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था वहां पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे तो ये ऑप्शन नंबर इसमें चार हो जाएगा बत्तीस में और क्वेश्चन नंबर तेतीस की ओर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर तैतीस आपके सामने है और इसमें दिया है किस सिख गुरु द्वारा गुरु लिपि की शुरुआत की गई तो ये आपको पता होना चाहिए गुरु अंगद गुरु अंगद ने गुरु लिपि गुरु लिपि का मतलब शुरुआत की थी गुरु अंगद द्वारा नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोज वैसे आप याद करते हैं ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का ईट पर नाच सॉट्रिक ना ईट पर नाच तो इसमें कौन सा हो जाएगा प्रोटॉन का तो इसमें हो जाएगा प्रोटॉन रदर फोर्ट ऑप्शन नंबर दो इसमें सही हो जाएगा निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा किस यंत्र के द्वारा हवा में आद्रता तो ध्यान रखना हवा में आदरता एक होता है हाइड्रो एक होता है हाइग्रो तो क्या से करेंगे हाइग्रो हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर ऑप्शन नंबर दो हाइग्रो ग्रो ग्रो, ग्र, ग्रो हाइग्रोमीटर ठीक है तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नमी नापने के लिए हाइग्रोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विश्व का सबसे बड़ा सबसे बड़ा उष्ण वर्षावन प्रसिद्ध है ये तो अमेजन के वर्षावन अमेजन के वर्षावन है उष्णकटिबंधीय कटिबंधी वर्षावन विश्व के सबसे बड़ा है आज नेट बंदी ही तो ये जैसे ही आप नेट चालू हो ना तो ये आप ये अपना वीडियो YouTube पर उपलब्ध रहेगा आप मिलान कर लेना कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आपके अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली तो यह है वेलेंटीना टेरेस्कोवा वैलेंटिना टेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी यह ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कला बीच ये वर्कला बीच स्थान है तिरुवंतपुरम वर्कला बीच भारत में गोवा बीच गोवा वाले बीच में है ना तो वो गोवा नहीं है ये है वर्कला बीच वर्कला बीच कहा है तो यह है तिरुवनंतपुरम केरल में नेक्स्ट है कौन सी समिति कौन सी समिति भारत में गरीबी आकलन से संबंधित नहीं है नहीं पर ध्यान रखना है ना गरीबी आकलन के लिए समितियां बनी है ये वीडियो में टॉपिक स्पष्ट दे रखा है और उन्होंने अलग अलग वो पैमाना दिया है कैलोरी के आधार पर ग्रामीण का अलग है शहर का अलग है सारा पढ़ के जाना तो इसमें थी कौन सी नहीं है ये पूछा गया तो वी के वी के अलग समिति सुरेश तेंदुलकर समिति रंगराजन समिति और यह है विजय केलकर समिति तो यह नहीं है विजय केलकर समिति साहित्य मेरे को याद आ रहा है तेरहवे वित्त आयोग था उसमें था तेरहवे वित्त आयोग में विजय केलकर समिति तो ये इसमें मतलब गरीबी आकलन वाली समितियों में यह शामिल नहीं है ठीक है ना नंबर आपके सामने है फिलीपींस की मुद्रा क्या है फिलीपींस की मुद्रा तो यह है फिलीपींस की मुद्रा क्या है पैसो क्वेश्चन चालीस हो चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नंबर इकतालीस आपके सामने एग्रीकल्चर शॉर्ट एग्रीकल्चर शॉर्ट शॉर्ट किस में लगाते क्रिकेट में शॉर्ट बाकी में भी होता है लेकिन ये शॉर्ट किसका ये है ये क्रिकेट का शॉर्ट है ठीक है नेक्स्ट मोदी जी ने जीएसटी लगाई ना संविधान संशोधन अधिनियम माल एवं सेवा कर इसी को बोलते हैं जीएसटी माल एवं सेवा कर पूरा लिख दिया इसने गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो ये कौन सा था तो जीएसटी मोदी जी को देनी पड़ती एक सौ एक रुपए की कितने एक सौ एक रुपए की एक नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा एक सौ एक वार संविधान संशोधन दो हजार सोलह राइट हो जाएगा नेक्स्ट एवरी योट, एवरी योट काउंट्स इसमें क्या है वोट है वोट ये ठीक है ना एवरी वोट काउंट्स मतलब वोटिंग संबंधी है ये ठीक है तो किताब है ये किन की है तो ये है नवीन चावला की नवीन चावला नवीन चावला की पुस्तक है ये ठीक है नवीन चावला निर्वाचन आयुक्त थे पहले राष्ट्रीय केंद्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे नवीन चावला पहले थे अब नहीं तो इनकी पुस्तक है एवरी वोट काउंट्स यानी प्रत्येक लास्ट सफर ये अंत में सफर किसने किया भाई लास्ट सफर लियोनार्डो ठीक है ना राजस्थान की जो बनी ठणी इसको मानसा कहता है इसको प्रसिद्ध करने वाले हेरी और फयाज अली उसी में एक विश्व में थे लियोनार्डो द विंसी तो ये इसकी पुस्तक है ठीक है ना लियोनार्डो द विंसी की पुस्तक है लास्ट सफर लास्ट सफर क्वेश्चन चौवालीस हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान की कौन सी शाखा पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है पक्षियों का अध्ययन किसमें होता है पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी और, निथोलोजी। और, निथोलोजी, और निथोलोजी। पक्षियों का अध्ययन होता है और है में। नेक्स्ट तमिल महाकाव्य ई के लेखक कौन है तो कल तो अपन को पूछा था महाराष्ट्र के वो एक, एक नाथ ठीक है आज इसमें ये तमिल महाकाव्य से संबंधित पूछा गया इसमें कौन है तो मणिमेख मेखलाई हाँ तो इसके कौन है सतनार सतनार सत्यनार ठीक है ऑप्शन नंबर तीन इसमें राइट है सपनार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 47. के बीच। तो याद करते है ना पाक, पाक यहाँ पाकिस्तान नहीं वो है भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है तो पाक जल संधि पाक जल डमरू मध्य है तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी बोलते हैं वो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था ये तो और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन है है अपन का दिवस दिवस मनाया जाता कितना इकतीस मई को इकतीस मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है क्वेश्चन हो गए अड़तालीसपचास नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे और नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें पूछा गया कि लोकसभा में लोकसभा में जो आरक्षण है ना एस सी का एस सी एस टी का आरक्षण है लोकसभा में वो कितना कितना है तो पहले नाम किसका दिया अनुसूचित जाति यानी एस सी और अनुसूचित जनजाति एस टी इसमें भी ध्यान रखना कि SC को ज्यादा है एस टी को कम है ठीक है और एस सी को एस सी की सीटें आवंटित है चौरासी और एस टी की कितनी है तो सैतालीस लोकसभा में आरक्षण है सीटें आरक्षित है एस सी की है कितनी है तो चौरासी एस टी की कितनी है तो सैतालीस और अगर एस सी एस टी भी क्वेश्चन पूछा जाता है एस सी एस टी की कॉमन सीटें कितनी है तो कितने हो गए एक और इकतीस सीटें आरक्षित है लोकसभा में लोकसभा में ओबीसी को आरक्षण है क्या तो नहीं है ठीक है बाकी का आरक्षण नहीं है एस सी एस टी को है नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतरराष्ट्रीय आई एम एफ का मुख्यालय कहाँ है आई एम एफ का मुख्यालय आई एम एफ का मुख्यालय पर है तो कहां है वाशिंगटन डीसी में है वाशिंगटन डीसी में है आई एम एफ का मुख्यालय और कल पूछा था संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क वाला वो कल पूछा था आज ये पूछा गया तो बाकी मुख्यालय भी ध्यान रखना हाड़ी रानी की बावड़ी राजस्थान में कहा है हरी रानी की बावड़ी राजस्थान में कहा है तो टोडा राय सिंह टोंक में टोडा राय सिंह टोंक में बावड़ी हरी रानी की बावड़ी होगी में और एक बिल्कुल है लेकिन भी है। ना? जितना सरल है इतना सरल मत मानना इसको केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये आफरिया काजरी नहीं है ध्यान देना काजरी आफरी नहीं है तो क्या है यह है बिक्कानेर में जोधपुर वाली नहीं है ये, तो ये बिकानेर है तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहा है तो बिकानेर में है नेक्स्ट है राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन सर्वाधिक मक्का का उत्पादन राजस्थान में कहा होता है तो यह होता है मेवाड़ में मेवाड़ यानी अरावली की दक्षिणी ढलान पर जो पीली और लाल पीली मिट्टी है मक्का उत्पादन के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है लोह तत्व की अधिकता है मेवाड़ क्षेत्र मक्का उत्पादन के लिए माना जाता है कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा कल भी बताया था माई कंचन माई धवल और माई सुगंधा कल पूछी थी माई सुगंधा किसकी है तो सुगंध किस में खुशबू किस में आती है चावल में माई कंचन और माई धवल किसकी है तो मक्का की किस्म है माई कंचन माई धवल मक्का की है माई सुगंधा चावल की है आज पूछा गया कि इसमें माही कंचन किसकी है तो किसकी हो जाएगी यह हो जाएगी मक्का की नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में दूध उत्पादन दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्लें कौन सी है तो आपको पता होना चाहिए जो है ना हल जोतने में श्रेष्ठ होती है ना वो दूध उत्पादन में कम होती है तो मालवी है ना मालवा क्षेत्र में कठोर भूमि जोतने वाले बैल होते हैं तो ये दूध बहुत कम देती है तो मालवी इसमें भी है इस ये, ये दूध बहुत कम देती है नागोरी बिल्कुल ना, ना मात्र का दूध देती है बैल श्रेष्ठ होते हैं हल जोतने में तो ये तीनों ऑप्शन कट जाते हैं वैसे आपको पता है कि राठी गाय राजस्थान में दूध के लिए श्रेष्ठ माइज इसमें राठी के साथ नागौरी दे दिया इसलिए नहीं हुआ तो गिर और राठी गिर को और क्या कहते हैं गिर रेंडा या अजमेरा यह कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर एक यान पचपन हो चुके नेक्स्ट क्वेश्चन छप्पन नंबर क्वेश्चन आपके सामने और इसका आंसर राजस्थान के थार मरुस्थल थार मरुस्थल में परंपरागत जल संग्रहण तकनीक है तो ध्यान देना परंपरागत तकनीक जल ग्रहण की इसमें खड़ी नहीं करना है ना तो इसमें कौन सा है तो टांका करना टांका सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर और कल पूछा था नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है ठीक है तो उसमें आंसर था चौहत्तर किलोमीटर आज पूछा गया नर्मदा नहर से लाभान्वित जिले कौन से तो बाड़मेर मेरे दो जिले हैं बाड़मेर जालोर कहां गए बाड़मेर और जालोर बाड़मेर और जालोर नर्मदा नहर से सिंचित नेक्स्ट है परियोजना उदयपुर से, से लाई गई ठीक है तो जमाई बांध में जमाई बांध में पानी की आपूर्ति के लिए उदयपुर से एक नहर लाई गई सही परियोजना तो ये जमाई बांध इसमें हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर उनसठ हाँ इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित जिले इसमें दे रखे हैं इसमें है पन्नालाल बारूपाल ये बीकानेर नागौर लाभान्वित होते हैं वीर तेजाजी लिफ्ट नहर से बीकानेर लाभान्वित है बरकतुल्ला खान जैसलमेर और बाड़मेर लाभान्वित है लेकिन करणी सिंह लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले कौन से क्वालित बीकानेर क्वालित बीकानेर वो क्षेत्र लाभान्वित है हनुमानगढ़ नहीं है इसमें ऑप्शन नंबर चार इसमें गलत था गलत बताना था कौन सा सम्मिलित नहीं है तो ये हो जाएगा ये तो बिल्कुल सभी को पता होना चाहिए बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है डिग्री तीन मिनट उत्तरी अक्षांश से डिग्री बारह मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में राजस्थान स्थित है और देशांतर कहे तो कितना हो जाएगा डिग्री तीस मिनट से इकहत्तर डिग्री सत्रह मिनट पूरी पूरी आएगा इसमें उत्तरी उत्तरी आएगा ठीक है तो इसमें देखो उत्तर उत्तर दक्षिण ऐसे किया है तो श्योर आएगा कि तेवीस डिग्री तीन मिनट उत्तर से तीस डिग्री बारह मिनट उत्तर ऑप्शन नंबर दो राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटी सॉल्स वीडियो में टॉपिक स्पष्ट मेंशन दे रखा है तो इसमें ध्यान रखना एंटी सॉल्स का किस क्षेत्र में है पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी तो पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी किस प्रकार की एंटी है एंटीसोल्स अगर वर्टिका है तो हड़ोती बताना वर्टिस पूछे तो हड़ोती बताना क्वेश्चन बासठ हो चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है गोडवार प्रदेश बेसिन तो गोडवार प्रदेश में कौन सी ये कल भी क्वेश्चन था इसमें नदी दे रखी थी बेसिन पूछा तो आज बेसिन दे दिया नदी पूछ ली तो ये लोनी नदी है गोडवार बेसिन में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन मिट्टी का अपरदन कल भी पूछा था मिट्टी का अपरदन का कल भी क्वेश्चन था मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त कारण कौन सा कौन से तकनीक अपनाएंगे तो यह पट्टीदार वृक्ष लगाएंगे पट्टीदार वैसे ये खेतों की ये भी है, लेकिन ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा करेंगे की लगाना. है? कल भी क्वेश्चन था रामगढ़ अभ्यारण्य का राजस्थान का चौथा भारत का बावनवाघ अभ्यारण्य रामगढ़ विस्तारी बूंदी में यह पूछा गया था कल तो क्या है ये जैविक उद्यान राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित तो ये बाघ संरक्षित क्षेत्र हो गया राजस्थान का कितना चौथा और देश का बावनवा क्वेश्चन नंबर सासठ राजस्थान के किस बाग में वालरा वालरा कृषि की जाती है वालरा कृषि है ना ये आदिवासी क्षेत्र में जैसे हाँ दक्षिणी राजस्थान में क्षेत्र में की जाती है और इसमें भील लोग है वो करते हैं ग्रास्य लोग करते हैं उसे कहा जाता है वालरा राजस्थान में और भील पहाड़ी पर करता है उसे चिमाता और मैदान क्षेत्र में करता है उसे दजिया कहा जाता है तो ये हो जाएगा दक्षिणी राजस्थान कौन सा ऑप्शन दो नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा ठीक है वह वृक्ष जिसमें जिनसे कथा आपको पता होना चाहिए कौन से वृक्ष से कथा प्राप्त किया जाता है कथा प्राप्त किया जाता है तो खैर से खैर से कत्ता कत्ता प्राप्त किया जाता है किसे खैर कहा गया है? ये खैर खैर से कत्ता हांडी प्रणाली कथोड़ी जनजाति चलो नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान सरकार के वन विभाग वन विभाग द्वारा जारी जिला जिलों के शुभंकर जिलों के शुभंकर जारी किए गए उसमें से अलवर इसमें बाघ दे रखा भरतपुर में सारस दिया है भिलवाड़ा का मोर दिया है चूरू का काला हिरण दिया है तो कौन सा इसमें गलत है तो गलत कौन सा इसमें तो इसमें चूरू का काला हिरण बिल्कुल ठीक है भिलवाड़ा मोर है अजमेर का खड़मोर था भरतपुर का सारस है ठीक है तो अलवर का बाघ नहीं है बाघ इसका है सोई माधोपुर का है तो अलवर का कौन सा है अलवर का इसमें ऑप्शन राइट ये हो जाएगा मतलब गलत छाटना था ये हो जाएगा नेक्स्ट अलवर का बाग नहीं है बाग सोईमाधोपुर का है अलवर का क्या है वो आप भेज सकते हैं कमेंट में लिखकर कुंबलगढ़ गोगुंदा ये कल भी पूछा था कल पूछा गया कि बोराट का पठार किस जिले में है तो राजसमंद उदयपुर दोनों में थे ऑप्शन एक ही दिया उदयपुर तो उदयपुर कर लिया था अपन आज दिया कि कुंबलगढ़ गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार का नाम है तो ये बोराट का पठार है ठीक है नेक्स्ट कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है वनों की श्रेणी नहीं है सुरक्षित वन आरक्षित वन वर्गीकृत वन अवर्गीकृत वन तो ध्यान रखना वन राजस्थान में ये प्रशासनिक दृष्टि से वन है ना वो तीन प्रकार के और वो करमवार याद रखना है ना ऐसे करना पी आर यू प्रोटेस्टेड पी यानी प्रोटेस्टेड आर यानी रिजर्व और यू यानी अनक्लासिफाइड तो ऐसे पता नहीं चले तो यहां से देख सकते हैं प्रोटेस्टेड है है, है और अनक्लासिफाइड है यानी क्लासिफाइड वन है ना वो नहीं है वर्गीकृत वाले नहीं है बाकी तीनों है सुरक्षित आरक्षित और अवर्गीकृत है है ठीक ना ये राजस्थान में तीन पी आर यू ये क्रमवार है पी आर यू सर्वाधिक वन प्रोटेस्टेड दूसरा नंबर आरक्षित इन रिजर्व और अनकलासिफाइड अवर्गीकृत सर्वाधिक किस जिले में है और ये रिजर्व वन सर्वाधिक किस जिले में है और ये रक्षित सुरक्षित वन या प्रोटेस्टेड वन ये सर्वाधिक किस जिले में है तो ये भी ध्यान रखना आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कौन सी नदी राजस्थान की काम धैनु काम धैनु कहा जाता है और काम धैनु किसे कहा जाता है राठी गाय को भी कहा जाता है और राजस्थान में चंबल नदी को भी कहा जाता है कामधैनु राजस्थान की चंबल नदी और गाय पूछे तो राठी बहुत नंबर क्वेश्चन लाल पीली मिट्टी लाल पीली मिट्टी वाला जिला कौन सा है लाल पीली लाल पीली मिट्टी भरतपुर धौलपुर बिल्कुल नहीं झालावाड़ बारह तो ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र है गंगानगर हनुमानगढ़ वो गंगानगर हनुमान जलौट मिट्टी वगैरह वो क्षेत्र वो हो जाएगा सोईमाधोपुर कौन सा है ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार है सोई और सोईमाधो लाल पीली मिट्टी मक्का उत्पादन के लिए ठीक है तो ये सोईमाधोपुर और राजसमंद जिला इसमें हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और इसमें इंदिरा गांधी फीडर इंदिरा गांधी फीडर एंड राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान फीडर जो ऊपर से ढकी हुई है और यह है 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर की लंबाई इंदिरा गांधी फीडर फीडर मुख्य नहर ठीक है तो यह है 204 किलोमीटर पूरी संपूर्ण पूछे ना तो वो 640 और भी बढ़ गई 814 कुछ हो गई अब ठीक है लेकिन ध्यान रखना राजस्थान फीडर कहना तो 204 है यह ऊपर से ढकी हुई है इसमें हो गया एक नंबर नंबर चौहत्तर चलो हाँ क्या लिखा है शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है तो इसमें ध्यान देना शरणवाही नगर तो सांबर सिरोही शाहपुरा तो ये कौन सा हो जाएगा सिरोही सिरोही का प्राचीन नाम है ये ऐतिहासिक नाम है शरणवाही नगर शरणवाही ठीक है सिरोही की स्थापना ओके नेक्स्ट है राजस्थान के जिले में पूर्व से पश्चिम की ओर ये इंपोर्टेंट नक्शे पर क्वेश्चन है, है इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूर्व से पश्चिम की ओर जिले बताना है उधर सबसे पहले अगर नक्शे में अगर बात करें अपन तो सबसे उधर कौन सा आएगा तो अगर पूर्व से पश्चिम की ओर आए तो सबसे पहले इसमें आएगा बूंदी से बूंदी आएगा उसके बाद में आएगा अजमेर बूंदी एक नंबर बस एक से ही हो रहा है सबसे सब पहले उधर से आए तो बूंदी आएगा फिर अजमेर आएगा फिर पाली आएगा फिर बाड़मेर आएगा एक नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर छिहत्तर किस मंदिर को खंभों का अजय घर और त्रिलोक के दीपक खंभों का अजय घर कितने खम्बे हैं खंभे चौदह तो यह है इसमें कौन सा रणकपुर का जैन मंदिर मंथाई नदी के किनारे पुंबा के काल में बना था ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है जैसलमेर का तो जूनागढ़ बीकानेर का है धूलगढ़ नहीं है धूलगढ़ नहीं है ये लालगढ़ वो बीकानेर वाला है सोनारगढ़ सोनलगढ़ कह दे तो जालोर सोनारगढ़ जैसलमेर ये हो जाएगा शीतोत्तर हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री का संबंध मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किससे है तो ध्यान देना ये कला कौन सी कला से संबंधित है मांगीलाल मिस्त्री मांगीलाल मिस्त्री कावड़ राजस्थान में कावड़ कावड कहां की है बस ये चित्तौड़गढ़ की कावड़ प्रसिद्ध है तो ये कावड़ से संबंधित है मांगीलाल मिस्त्री और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने किया राजस्थान में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण जल्दी से इसका आंसर होगा देखो उदय सिंह फतेह सिंह भोपाल सिंह कौन है संग्राम सिंह ऑप्शन नंबर चार इसमें राइट है संग्राम सिंह सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था संग्राम सिंह ने ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मत्स्य संघ मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल कौन शामिल नहीं है इसमें ध्यान देना मत्स्य संघ में मास्टर भोलानाथ था डॉक्टर मंगल सिंह रमेश कुमार लेकिन कौन नहीं था चिरंजीलाल शर्मा ने था चिरंजीलाल शर्मा शर्मा था किसमें मत्स्य संघ का जो मंत्रिमंडल गठित हुआ उसमें चिरंजी लाल नहीं थे तो अस्सी नंबर क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर इक्यासी आपके सामने इक्यासी नंबर क्वेश्चन और इक्यासी नंबर क्वेश्चन में क्या होगा उदयपुर उदयपुर में राज, राजस्थान महिला परिषद की संस्था पक कौन है राजस्थान महिला परिषद की संस्था पकड़ है उदयपुर में तो ये शांता त्रिवेदी कृष्णा व्यास लक्ष्मी देवी काबरा और कमला स्वाथीन कौन है इसमें तो उदयपुर में महिला परिषद राजस्थान महिला परिषद उदयपुर में तो शांता त्रिवेदी इसमें कौन है शांता त्रिवेदी इसकी संस्थापक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर विनोद श्यामल दास कहा गए श्यामल दास कवि राजा श्यामल दास वीर विनोद श्यामल दास क्या कहा था मेवाड़ के चौरासी दुर्गों में से बत्तीस दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था किसने कहा वीर विनोद श्यामल दास नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ ये हो गया घटियाला कल भी पूछा था कल क्या था घटियाला का शिला किसका है तो ककुक का उसमें पूछा क्या गया कल पूछा किस भाषा में तो संस्कृत में था आज पूछा घटियाला क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं जहां से आ जाए तो थोड़ा दूसरा वाला क्वेश्चन उठा लिया वहीं से घटियाला प्राकृतिक ये प्राकृत अभिलेख ठीक तो है तो घटियाला प्राकृत अभिलेख इस प्रत्यार शासक ने संबंधित है तो यह है ककुक ककुक से संबंधित है ककुक का दिया इसमें, ककुक है इसमें ठीक है है ना जोधपुर में प्राचीन नाम क्या था घटियाला लगा रोहित नेक्स्ट आगे है पिछवाई पिछवाई चित्र शैली से संबंधित यह श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा मंदिर के पीछे नाथ श्रीनाथ जी की बाल लीलामा का चित्रांगन उसी को कहते हैं अपन पिछवाई पिछवाई कहां है तो ना द्वारा शैली ना द्वारा शैली क्वेश्चन नंबर चौरासी हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पिचिया ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी, अहिरवाटी बोली किस नाम से भी जानी जाती है हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र जहां पर अहिरवाटी या राठी भी बोलते हैं राठ या अहिवाट क्षेत्र ये राठ या अहिवाट क्षेत्र हरियाणा का सीमावर्ती अलवर का क्षेत्र है तो ये राठी या ये अहिरवाटी तो को और क्या कहते हैं राठी अहिरवाटी राठी भी बोलते हैं इसको देखो नजदीक ऑप्शन दिया हरियाणवी मेवाती है नजदीकी ऑप्शन दिया लेकिन अहिरवाटी को राठी भी बोलते हैं मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहां से शुरू किया सिरोई झाड़ोल बुल्ला या बलोरिया कहा से शुरू किया था मोतीलाल तेजावत ने भीलों के लिए एक ही आंदोलन चलाया था झाड़ोल झाड़ोल कहा उदयपुर एनसीआर पढ़ते हैं ना झाड़ोल कोटरा तो कोटरा भी ऑप्शन दे सकता था अपन मिस हो यहाँ लेकिन ध्यान करना ये झाड़ोल स्थान है उदयपुर का झाड़ोल से प्रारंभ किया था मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन एनसीआरटी वाले में शायद दसवीं वाले में है ये ठीक है पथिक विजय सिंह पथिक कि समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को विख्यात किया कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी निकाल रहे थे प्रताप नामक समाचार पत्र इसमें राष्ट्रीय इस स्तर पर प्रसिद्धि मिली बिजोलिया किसान आंदोलन को नेक्स्ट क्वेश्चन राव गंगा सिंह राव एक मिनट गंगा का गंगा तो ऑप्शन दे रखे आगे वीरमदेव सातल देव ये मारवाड़े वाले ये गंगा है गंगा गंगा की हत्या उसके पुत्र किसने गंगा की हत्या मालदेव ने की थी पितरहंता गंगा की मृत्यु के उपरांत पांच जून सोलह पंद्रह सो इकतीस ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना तो मालदेव बना अपने पिता की हत्या करके बना था इसे पितरहता शासक आ जाता है मालदेव का राजीव से कहा हुआ तो सोजत में हुआ था ठीक है तो ये बना था मालदेव नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है डूंगरपुर राज्य में गोहिल वंश देखो गोहिल मेवाड़ में पढ़ते हैं लेकिन वागड़ क्षेत्र में भी गोहिल गुईल थे वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी गोहिल थे गोहिलों का शासन था तो यहाँ गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन है आशकरण या सामंत सिंह या उदय सिंह तो कौन इसमें राइट हो जाएंगे तो डूंगरपुर क्षेत्र में गुल राजवंश का है ना वो है समन सिंह समन सिंह ठीक है समन सिंह ने वागड़ क्षेत्र में गोल राजवंश की स्थापना की थी समन सिंह ने वागड़ क्षेत्र में हाँ नेक्स्ट आगे हाँ क्या है हाँ रिफ्ले क्या पूछ रहे हैं ज्योग्राफी के पेपर में करंट अफेयर्स आएगा बिल्कुल आएगा करंट अफेयर्स आएगा तो करंट अफेयर्स के सब कल वाले पेपर में बहुत क्वेश्चन थे आज वाले में भी है जो कल पेपर होने वाला है ना उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे तो करंट uh, अफेयर्स में आपको पढ़ना क्या है जनवरी के बाद का जनवरी के बाद बाद का, का करंट देखना है और अगर देखना चाहो बजट जरूर देखना यहां से क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट हाँ, क्वेश्चन है आपके सामने ये सामंत सिंह है ये मतलब सिसोदिया राजवंश राजवंश की ये स्थापना करता है वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर में ठीक है परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी हर पुस्तक में ये क्वेश्चन छपा हुआ है लेकिन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है तो कौन है इसमें शैतान सिंह पीरू सिंह योगेंद्र सिंह या होशियार सिंह इसमें कौन है मेजर पीरू सिंह राजस्थान के पहले व्यक्ति है जो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले हैं प्रथम राजस्थानी तो यह है मेजर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और इसमें है अठारह सौ ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर जोधपुर के कौन थे तो अपन को पता होना चाहिए जोधपुर के थे तकत सिंह और तकत सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया तकत सिंह अंग्रेजों की संयुक्त सेना आई थी अशाल सिंह थे बित्तौड़ा और चेलावास दोनों युद्धों में इनको की खानी पड़ी जोधपुर के शासक और अंग्रेजों को दोनों युद्धों में कौन जीत गए ठाकुर कुशाल सिंह जीत गए थे आठ और अठारह सितंबर आठ अठारह पहला होता है बितोडा दूसरा होता है चेलावास ठीक है और जोधपुर के उसमें पॉलिटिकल एजेंट कौन थे जिसका सिर काटकर अवा के किले पर लटकाया था मोरिसन मोरिसन क्या मोसन मैक मोसन क्या मोरिसन मोरिसन कहा था भरतपुर में था मैक मोशन मैक मोशन का सिर काटकर अवा के किले पर लटकाया था और बटन का सिर काटकर कोटा के शहर में घुमाया था तो ये इसमें हो जाएगा अवा के ठाकुर गुशाल सिंह जोधपुर के शासक कौन थे तो ये थे तकत सिंह एक मिनट तो ये थे ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा तकत सिंह थे और कल पूछा गया था कि एकीकरण के समय राजस्थान रियासतों के विलय हो रहा था सरदार पटेल के नेतृत्व में एकीकरण के समय तो शासक कौन थे जोधपुर के वो थे हनुमान सिंह कल ये क्वेश्चन पूछा गया था आज वहीं से क्वेश्चन पूछा गया कि अटल सतम क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे क्वेश्चन नंबर बरानवे आपके सामने और इसका आंसर क्या होगा देखते हैं चैत्य ग्रह कहा ये 300 ईसा पूर्व से 300 ईसवी यानी 600 300 वर्ष पहले 300 बाद में 600 वर्ष की यह घटना बता रहा है काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहाँ मिला गोल चैत्य ग्रह आपको पता होना चाहिए तीन ईसा पूर्व और ये बैराट जयपुर धर्म और मौर्य अशोक के समय का शिला मिलता है तो ये बाबरू कौन सा बाबरू का शिलालेख बैराट का शिलालेख अशोक बौद्ध धर्म बुद्ध धम संघ की जानकारी मिलती है ये सारे कहा है बैराट नगर क्वेश्चन नंबर बारानवे हो चुका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे आपके सामने तिरानवे नंबर और इसमें दे रखा है निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात मेवात यानी अलवर से संबंधित तो हरिदास कल पूछा था निरंजनी संप्रदाय तो हरिदास निरंजनी आज पूछा गया मेवात क्षेत्र के संत कौन से हैं तो हरिदास लालदास पीपा जी और दादू दयाल तो जी तो गागर में थे लाल दास कहा अलवर में लाल दू अलवर लाल दास जी कहा अलवर में है ठीक है तो दू अलवर अलवर का कौन सा क्षेत्र मेवात क्षेत्र तो ये हो गए ऑप्शन नंबर तीन इसमें राइट नेक्स्ट है कामड़िया पंत के संस्थापक एकमात्र देवता जो पढ़े लिखे थे चौबीस बाणिया ग्रंथ लिखा था कामड़िया पंथ चलाया था यह है अपन के रामदेव जी चरा धनी नेक्स्ट आगे हाँ, सूर्यमल मिश्रण सूर्यमल मिश्रण होता है मिश्रण नहीं मिश्रण सूर्यमल मिश्रण की रचना में राजस्थान की कौन सी बोली तो आपको पता होना चाहिए बूंदी से संबंधित थे राम सिंह द्वितीय के दरबार में सूर्यमल मिश्रण स्वतंत्र क्रांति के समय इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी थी क्रांतिकारियों का सहयोग दिया था तो ये किस बोली में रचनाएं लिखते थे तो बूंदी क्षेत्र किस में आता है तो ध्यान देना वागड़ी वागड़ी दक्षिण राजस्थान की बोली है मेवाती अलवर की है ढूंढाड़ी जयपुर की है तो यह है हाड़ोती ठीक है हाड़ोती कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें हाड़ोती में, में। ठीक है तो हाड़ोती आंसर इसमें देखो मेवाती हो नहीं सकता अलवर है दक्षिणी राजस्थान की है नहीं हो सकता और ढूंढाड़ी जयपुर की है और यह है सूर्यमल मिश्रण बूंदी के है ठीक है और मुरारीदान जोधपुर में दत्तक पुत्र थे इनके ठीक है तो और सूर्यमल मिश्रण की रचना है वंश भास्कर और वीर सत्सई और इला अपनी अलरियो हुदरा यह भी किसकी पंक्ति थी सूर्यमल मिश्रण की थी तो यह हड़ोती में रचना है इसकी नेक्स्ट राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ आदिवासियों का कुंभ बैनेश्वर धाम राजस्थान का कुंभ है आदिवासियों का कुंभ क्या नेक्स्ट क्वेश्चन छो हो गए और तीन चार क्वेश्चन बचे हुए हैं चलो ये कंप्लीट कर लेते हैं शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक शासक कौन था यह आक्रमण कब हुआ था कौन सा गिरी सुमेल का युद्ध कितना चौवालीस पंद्रह सो चौवालीस क्या सोलह सो चौवालीस गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था पंद्रह सो चौवालीस में पंद्रह सो चौवालीस गिरी सुमेल का युद्ध ठीक है मालदेव शेरशाह सूरी के मध्य और एक मुट्ठी बर्बाद बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता मालदेव के जैतक कुंपा थे और इसमें जतरण का युद्ध भी कहा जाता है कागज द्वारा लड़ा गया युद्ध भी कहा जाता है यह था मालदेव राजस्थान में मालदेव अलग है मालदेव सोनगरा है वो वो जालोर के कानदे का भाई था बिकानेर के अनूप सिंह और औरंगजेब कौन स... है क्या लिखा बिकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी तो बिकानेर का अनूप सिंह उपाधि देने वाले हैं औरंगजेब कौन सी उपाधि दी माही बरातियों की उपाधि कौन सी ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा माही बरातियों की उपाधि मिली थी माही बरातु क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन निन्यानवे किस नदी के तट पर गिलुंड सभ्यता सभ्यता वाले क्वेश्चन कल भी आए थे ठीक है गिलुंड कहा है रासमंद गिलुंड रासमंद तो गिलुंड सभ्यता आहाड़ बनास कांतली कोठारी कौन सा हो जाएगा इसमें हो जाएगा सभ्यता में बनास नदी के किनारे स्थित है बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है वो है कोठारी नदी पर और आज का अंतिम क्वेश्चन जो आपके सामने है गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या है जननी कांतली नदी के किनारे सिक्कर गणेश्वर उत्कन किसके निर्देशन में हुआ एच डी सांकलिया एन घोष वी एन मिश्रा और आरसी अग्रवाल तो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ तो कौन सा राइट हो जाएगा आरसी अग्रवाल के निर्देशन में आंसर इसका राइट हो जाएगा तो आज के सो क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर चुके हैं अपन सभी अपने अपने आंसर चेक कर लेना कितने राइट हो रहे हैं अभी आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नेट आपकी बंद है तो आप जैसे नेट चालू होए तो अपने आंसर का मिलान जरूर करना ओके धन्यवाद